को ये बच्चे थे छोटे छोटे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मास प्रमोशन के लिए, जिस तरीके से आपने देखा कि कश्मीर के अंदर मास प्रमोशन बच्चों की गई है, बाकी स्टेटों के अंदर की गई है, तो ये भी अपना हक मांग रहे हैं, सड़कों पर उतरा है ये बच्चे। हम ये सरकार से ये डिमांड करना चाहते हैं और गवर्नर साहब से ये डिमांड करना चाहते हैं और जेके बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं युवक कांग्रेस की तरफ से उनकी ये हम ये डिमांड करना चाहते हैं इन बच्चों के लिए कि जल्द से जल्द उनकी मार्क्स प्रमोशन की जो बात है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और बच्चों को जो इंसाफ है जल्द से जल्द दिया जाए। नहीं तो युवक कांग्रेस हमारी सीनियर लीडरशिप सब जो कांग्रेस पार्टी की वो इन बच्चों के साथ है और हम ये मांग करना चाहते हैं हमारे अगर जल्द से जल्द ये पूरी नहीं की गई तो हमारे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उदय भानु चिम जी द्वारा जल्द से जल्द इन बच्चों के साथ शामिल हुआ जाएगा। हमारे एनओसी के नेशनल अध्यक्ष कल ये मिले हैं नीरज कुंदन जी से, हमारी सीनियर लीडरशिप से बच्चे, तो हम इनको पूरी सपोर्ट करते हैं और ये डिमांड करना चाहते हैं सरकार से जल्द उनकी डिमांड है उसको पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन देखने को आपको मिलेगा। ये हम अपनी तरफ से और युवा कांग्रेस की तरफ से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। और एनएसयू के हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप कन्वीनर जो एनएसयू के स्टेट के कोऑर्डिनेटर अजय ललगोत्रा जी मेरे साथ, अनुर सानी जी असेंबली प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे आए, इन बच्चों के साथ हमारा पूरा सहयोग रहेगा जब तक ये सड़कों पर इनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता। जय हिंद जय भारत। देखिए बाकी चीजें हम कुछ नहीं कहेंगे, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे उनके लिए फोर्स देखिए कितनी सारी यहाँ पे मंगवाई है। ये क्या ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये कौन सा ट्रेंड नया शुरू हो गया कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, जुवेनाइल स्टूडेंट्स हैं ये, और इनके लिए इतनी सारी आर्मी इतनी सारी फोर्स, ये कौन बच्चे हैं, कोई आतंकवादी है ये, कौन बच्चे हैं ये, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये कौन बच्चे हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको यहाँ पे त्रस्त किया है इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, जेके बोस ने। एक बात और, इनका जो लास्ट प्रदर्शन रहा वो तवी ब्रिज पर रहा, काफी सारे बच्चे, बहुत शर्मनाक और दुखद है वो। ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, ये बहक गए, लेकिन इनका क्या तमाशा था कि इनको उठा के जिप्सियों में भर के पुलिस स्टेशनों में बिठाया गया। आज की तस्वीर जो बनकर सामने आ रही है सरकार उसे देख पा रही है कि जो यूथ है वो सड़कों पर है। सरकार के नाम पे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सरकार के नाम पे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जहाँ पे सिर्फ बच्चों का शोषण किया जा रहा है। कल डीसी ऑफिस, कभी जेके बोस के ऑफिस, एडीसी साहब उस दिन खुद आए थे क्या, डीसी साहब खुद आके इनके ग्रीवियंसेस को सुन नहीं सकते थे क्या? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों से रोज आ रहे हैं, कहाँ पे ये हम लोग जा रहे हैं, इसलिए आपके माध्यम से बताए जाते हैं इनकी जब तक आई नहीं की हम इनके साथ और लड़ेंगे। यहाँ आज आप इनके साथ सड़कों पर उतर कर आए हैं, अब क्या लगता है, अब सुनाई देगी सरकार की आवाज इसी तरह यहाँ पर रहना? हम संघर्ष करेंगे, इनकी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक हक नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मास प्रमोशन की मांग करते हुए बच्चे सड़कों पर आए और जिस तरह की पिछला जो है हमने आपको प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की, उस प्रदर्शन में ये कहा गया कि जो है बच्चे जो है तभी से छलांग मारने तक वो तैयार हो गए अपने हक की मांग करते हुए, पर फिर भी इस गूंगी बहरी सरकार के कान में एक शब्द तक नहीं जो है एक कान में एक शब्द तक नहीं सुनाई दिया। आज बच्चे देख सकते हैं आप किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, फिर सड़कों पर उतर कर आए हैं। आखिरकार ये जो तस्वीर बनकर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के यूथ की जो तस्वीर, अगर कश्मीर को मास प्रमोशन दिया जा सकता है तो क्यों फिर जम्मू वालों को नहीं दिया जा सकता? आखिरकार आगे आने वाले दिनों में होने क्या वाला है? क्या ये बच्चे इसी तरह सड़कों पर रहेंगे जिन्हें यूथ कहा जाता है, यूथ को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है देश की, क्या रीढ़ की हड्डी देश की इसी तरह से रहेगी? साफ तौर पर तस्वीरें इस समय की आप देख सकते हैं और ये जो तस्वीरें बनकर सामने आ रही हैं आखिरकार क्या असर है, जो क्या प्रभाव जो है ये लोगों पर डाल रही हैं और क्या सरकार को ये बात सुनाई नहीं दे रही या दिख नहीं रही कि आखिरकार ये बच्चे इतनी गर्मी में, इतनी तपती गर्मी में, बारिश में जो है यहाँ सड़कों पर आ रहे हैं और जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरें इस समय की आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर। बच्चे जो हैं अपने हक की मांग करते हुए सड़कों पर उतर कर आए हैं, आखिरकार कांग्रेस के भी जो हैं कार्यकर्ता इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों की आवाज़ उठाकर जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो हैं बच्चों की आवाज़ यहाँ पर लेकर मौजूद हैं, पर क्या आखिरकार भाजपा के नेताओं को इनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही कि आखिरकार को यहाँ पर पहुँचा नहीं इनकी आवाज़ जो है उठाने के लिए? आखिरकार जो है
हैं, इंसाफ की मांग करते हुए सड़कों पर किस तरह से उतर कर आना पड़ा बच्चों को, आखिरकार क्या ये तस्वीर जो सामने इस समय आप विजुअल्स में देख रहे हैं सच न्यूज के माध्यम से क्या दर्शा रही है ये तस्वीर, क्या ये इस तरह से आने बच्चों के साथ आने वाले समय में होगा, क्या तस्वीर जो है ये क्या दर्शा रही है कि आने वाले समय में आखिरकार ये होगा यहाँ पर? आखिरकार बच्चे जिस तरह से सड़कों पर आए हैं आने वाले समय पर जो है क्या तस्वीर इस समय की दिखेगी, क्या इस तरह से बच्चे जो हैं इसी तरह जो है सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे? साफ तौर की तस्वीरें समय की आप देख रहे हैं प्रेस क्लब के बाहर यानी डोगरा चौक की समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 10वीं के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिरकार इतनी तपती गर्मी में इतनी बारिश में जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक की मांग कर रहे हैं आखिरकार ये व्यर्थ तो नहीं है? ये सरकार को इस तरह लगता है कि ये बच्चे पागल हैं जो इतनी गर्मी में यहाँ आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो इस बात को थोड़ा भी जरूरी नहीं समझते? आखिरकार अब छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर उतरना पड़ा सरकार को होश में जगाने के लिए, नारे समय के आप सुन रहे हैं जेके बोस होश में आओ, सरकार को होश में आने के लिए कहा जा रहा है, इंसाफ जो है दिलाने के लिए कहा जा रहा है। आखिरकार कब तक इसी तरह चलेगा और क्या अब इंसाफ होगा? साफ तौर की तस्वीरें समय की आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर भाजपा की कमी है ना, सब जम्मू के लोग बड़े बड़े ठेकेदार बन रहे हैं, भाजपा के नेता आज एम पी भाजपा के हैं, मंत्री भाजपा के हैं, नरसिंह कुमार भी भाजपा के जम्मू के लोग क्या कहेंगे लगातार आपकी मांगे को सुनने को तैयार हैं। सर हमें भरोसा कि आप कांग्रेस के नेता आपके साथ हैं, वो आपको देख सकते हैं इतनी तप्ती गर्मी में बच्चे यहाँ नीचे बैठे हुए हैं और अपने हक की जो है मांग कर रहे हैं। सड़क पर इस समय की तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, बच्चे हक की मांग करते हुए सड़कों पर किस तरह से आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आज आप सड़कों पर हो, इतनी देर से आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा, क्या कहूँ? मैम हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार कहाँ पे है आजकल, कहाँ पे होती है, कौन से सपनों में होती है, बच्चे इतनी दिनों से प्रोटेस्ट लगातार जारी कर रहे हैं 15 दिनों से, कितने बच्चे रोज़ बेहोश होते हैं, कितने बच्चों को पुलिस मारती है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने दिनों से बच्चे रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहाँ पे है सरकार? मैम लारे पे लारे लगाते हैं, पहले बोले जेके बोर्ड या जेके बोर्ड या डी सी दफ्तर, रोड पे आओ रोड वाले पुलिस वाले पर लग जाते, पीछे बच्चे गुंडागर्दी नहीं दिखाते, तभी पास चलाई जम्मू वाले बच्चे ऐसे ही कश्मीर को ये पास कर देते हैं ना बरों की, तभी क्या कहते हैं गुंडागर्दी दिखाते हैं अपनी, अबे 80-90 हज़ार रुपए ले रहे हैं तनख्वाह, इसी में बैठे 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं तो एसी के नीचे बैठ के, और क्या 50-50, 60-60, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं एसी के नीचे बैठ के, हम कुछ बोलते नहीं तो ज्यादा सिर पे चढ़ रहे हैं, कश्मीरी बच्चे गए ऐसे कश्मीर जम्मू में पड़ा है, हक तो कश्मीरियों को दिया हुआ है, वाले पत्थर चलाते ना तभी करके उन्हें हक मिल गया, हमने नहीं चला रहे, वाले जहां भी पत्थर चलाएंगे मेरे को भेजा जाएगा, जहां बीरागर को जाएगा पहले सारा, हम भी पास हो जाएंगे, पत्थर मारेंगे, हम पत्थर मारेंगे, हम पत्थर ही टांगे चलाएंगे, हम
आमतौर पर बच्चों का कहना आप इस समय का सुन सकते हैं, जिस तरह से बच्चे अभी हमें प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। आखिरकार जो लास्ट बार हुआ, आखिरी बार जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई तवी ब्रिज के ऊपर से, बच्चे किस तरह से सुसाइड करने तक को तैयार हो गए थे अपने हक की मांग करते हुए। आखिरकार बच्चों ने कुछ किया है तभी बच्चे यहाँ पर आए हैं, कोई पागल तो नहीं है। सरकार को ये बात सोचनी पड़ेगी और इनके लिए कोई फैसला लेना पड़ेगा। आखिरकार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे किस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है इनके साथ यहाँ पर मौजूद है। डोगरा चौक के समय की आपको विजुअल्स दिखा रही हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। क्या भाजपा को ये सब नहीं दिख रहा है या भाजपा के नेता आखिरकार कहाँ सोए हैं? क्या सिर्फ वो वोट लेने के लिए ही आ सकते हैं? बच्चों का जो है आज यहाँ पर दाव पर है, करियर जो है दाव पर है, यहाँ पर बच्चे जो है प्रदर्शन। क्या जो ये तस्वीर बनकर सामने आ रही है इसे आज के नेता लोग देख पा रहे हैं? क्या वो समझ पा रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? युवा देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्या वो आज रीढ़ की हड्डी वो रोडों पर है, सड़कों पर है, कैसे इतना प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी छोटे छोटे बच्चे ही हैं, 16-15 साल के बच्चे जो है, 10वीं के बच्चे हैं। आखिरकार इनके आने वाले जब दिनों में, जो आने वाली इनकी उम्र होगी, क्या सीखेंगे उस पर? ये क्या अभी से प्रदर्शन अगर इस तरह करना स्टार्ट कर देंगे, एक सवाल सरकार के लिए। इसी के साथ मुझे दे दीजिए इजाजत, जुड़े रहे सचिन नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।